वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन्स इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कबूतर कौन सा सबसे ज़्यादा उड़ता है, क्योंकि हमारे भाई का कमेंट था, उनका कहना था कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ कि कौन सा कबूतर सबसे ज़्यादा उड़ता है। तो भाई कबूतर में कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर कबूतर उन पॉइंट्स को फॉलो कर रहा होगा तो भाई वो अच्छा उड़ेगा, और जो कबूतर उन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेगा वो किसी भी कलर का कबूतर सही भाई वो कबूतर नहीं उड़ेगा। सबसे पहले मेन चीज़ जो होती है कबूतर कि भाई वो हैं पर। सभी भाइयों को पता है कि पक्षी परों से ही उड़ते हैं, तो कबूतर का मेन जो है पॉइंट वो पर है। भाई जो कबूतर के पर होने चाहिए उनमें भाई बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर कबूतर के परों में गैप होगा तो फिर हवा आर पार जाएगी भाई, और हवा आर पार जाएगी तो फिर कबूतर ज़्यादा देर तक आसमान में नहीं टिकेगा और वो कम उड़ान करके उतर आएगा, क्योंकि वो कबूतर भाई जल्दी थकेगा। जिस तरह से भाई लोग आप लोग मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये जो कबूतर है इसके बिल्कुल भी गैप नहीं है परों में, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए कबूतर के पर में। जितना कम कबूतर के गैप होगा परों में वो उतनी अच्छी उड़ान करेगा और गहराई में जाकर उड़ना पसंद करेगा। फिर भाई इसके बाद बात आती है टेल की। कबूतर की टेल बंद हो तो बहुत बढ़िया है, और ज़्यादा टेल अगर कबूतर की खुली हुई होगी भाई तो उसका बैलेंस आसमान में सही से बन नहीं पाएगा, फिर वो ज़्यादा टाइमिंग नहीं बना पाएगा आसमान में, और डिसबैलेंस होने की वजह से वो और कहीं गिरेगा अगर पूंछ उसकी ज़्यादा भाई खुली हुई होगी। तो कोशिश ये करो बंद पूंछ का कबूतर लाने की कोशिश करो, और अगर बंद पूंछ का कबूतर भाई नहीं मिल रहा है, कबूतर के पर अच्छे हैं, तो फिर ज़्यादा पूंछ उसकी खुली हुई नहीं होनी चाहिए भाई। फिर इसके बाद भाई बात आती है कबूतर के पर भी अच्छे हैं, पूंछ भी अच्छी है, फिर उसके आते हैं हड्डी जोड़। भाई कबूतर के जो हड्डी जोड़ होते हैं भाई उसके जोड़ बिल्कुल ही बंद होने चाहिए सबसे पहले कबूतर के। अगर जोड़ बंद होंगे तो वो कबूतर ज़्यादा जोर लगा पाएगा आसमान में, और जोर लगाएगा तो फिर वो टाइमिंग अपनी बना पाएगा। और फिर जो कबूतर की भाई हड्डी होती है, हड्डी और जोड़ के बीच में मिनिमम 2 उंगली का फासला होना चाहिए, उससे कम हो तो कबूतर और भी अच्छा है, लेकिन 2 उंगली तक का आप कबूतर ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा गैप है भाई तो वो कबूतर लेना बेकार है, क्योंकि वो कबूतर फिर ज़्यादा आसमान में जोर नहीं लगा पाएगा और थककर वो आपकी छत पर जल्दी आ जाएगा, और लंबी टाइमिंग का वो मालिक नहीं होगा उड़ान का, क्योंकि कबूतर को हड्डी जोड़ मदद करते हैं उड़ने में, उसी से कबूतर जोर लगाता है और परों से जोर लगाता है। इन दो चीज़ों से ही भाई कबूतर जो है जोर लगाता है। ये जो मेरे घर का पट्टा है भाई, और कबूतर में एक चीज़ और है भाई, ज़्यादा लंबा कबूतर भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा लंबा कबूतर ले लेंगे तो वो थककर जल्दी बैठेगा। जैसे कि भाई मेरे हाथ में ये जो कबूतर है, इतने साइज़ का कबूतर सही होता है, मतलब कि मीडियम साइज़ का कबूतर लंबे टाइम तक आसमान में टिक पाता है। वीडियो समझ में आई हो तो फिर वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना।